बहुत 15 साल बहुत लोगों ने मौका दिया, अभी भी गरीबी बिहार में सबसे ज़्यादा है देश में, अभी भी बेरोजगारी दर जो है 46.6 हो चुका है, यानी देश का सबसे युवा प्रदेश और वो बेरोजगारी में सबसे आगे। जो पलायन कहते थे हम रोकेंगे सरकार में आएंगे, 15 साल में पलायन बल्कि और बढ़ गया है, यानी बिहार का हर दूसरा परिवार पलायन कर रहा है। अब आप लोग से ही पूछिए, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मजदूरों की स्थिति आपने देखी ना, कैसे सरकार ने मुंह फेर लिया। इस बार बिहार ने मुद्दा एजेंडा जो है गरीब किसान मजदूर बेरोजगारी नौजवान का रखा है, कारखानों का रखा है, नौकरियों का रखा है, तो मेरे को लगता है ये केवल बिहार का ही एजेंडा नहीं बल्कि पूरे देश में ये एजेंडा लागू है। तो अभी तक जो लड़ाई एनडीए के लिए एक तरह का वॉकओवर बताया जा रहा था, अब तेजस्वी यादव की रैलियों में लाखों लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं आ रहे हैं, खासकर नौकरियों का जो उनका वादा है उसने जो एक अलग तरह का एक फैसिनेशन, एक अट्रैक्शन उनकी रैलियों में जो पैदा किया है, उसके मद्देनज़र ऐसा लग रहा है कि ये खेल अब पूरे तरीके से बदलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर जिस परिवर्तन की बात बार बार कही जाती रही है। और इस वक्त भी तेजस्वी यादव हमारे साथ मौजूद हैं, हम यहाँ पर पटना के पास हिलशा इलाके में यहाँ हैं जहाँ वो अपने एक कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए आए हैं। और छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल है उनसे बात करना, क्योंकि ये जो फैंस हैं उनके, उनके चाहने वाले, उनके बीच यहाँ बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तेजस्वी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये तमाम जो हैं वोटर्स हैं या दर्शक हैं? देखिए साहब, वोटर्स हैं, लोगों में गुस्सा बहुत है। आप गुस्सा कहना ठीक शायद नहीं भी रहेगा, हो सकता है ये नफरत हो मौजूदा सरकार से, और लोगों की उम्मीदें और आशाएं हैं जो हम लोगों ने विकल्प दिया है। तो ये जो नौजवान हो या कोई भी जात के हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर फलना एक वर्ग का लोग है या एक समाज का है, हर कोई लोग है, हर जात के लोग हैं, हर धर्म के लोग यहाँ आए हैं, हर वर्ग के लोग हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, हर तरह के लोग जो हैं आ रहे हैं। देखिए, बहुत 15 साल बहुत लोगों ने मौका दिया, अभी भी गरीबी बिहार में सबसे ज़्यादा है देश में, अभी भी बेरोजगारी दर जो है 46.6 हो चुका है, यानी देश का सबसे युवा प्रदेश और वो बेरोजगारी में सबसे आगे। शिक्षा पूरी तरीके से चौपट हो गया, अस्पताल की बदहाली आप लोगों ने भी देखा, कोरोना के टाइम में भी देखा, चमकी बुखार के समय में भी आप लोगों ने देखा क्या स्थिति है, पलायन बहुत बड़ा मसला है। तो आप देखिए, बिहार का अरबों खरबों रुपया जो है वो तो बाहर जा रहा है, दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, शिक्षा के लिए जाना हो तो बाहर चले जाते हैं, रोजी रोटी अब तो मजदूरी के लिए लोग बाहर जाते हैं, पहले तो नौकरियां के लिए जाते थे, नौकरी तो है ही भाई, यहाँ तो कोई आईटी सेक्टर तो ऐसा है नहीं, कोई कारखाने लगे ही नहीं, नीतीश बाबू ने 15 साल तक तो लगाए नहीं, अब हवाला दे रहे हैं कि भाई यहाँ समुद्र नहीं है, लैंडलॉक स्टेट है। अगर लैंडलॉक स्टेट है भी तो लेट्स कंपेयर विथ पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा, विच इज़ मच स्मॉलर स्टेट्स, काफ़ी छोटे। तेजस्वी जी, जब आपने 10 लाख नौकरियों की के बारे में सोचा और वादा किया, तो क्या सोचा था आपने कि वाकई इतना आकर्षण पैदा होगा इसको लेकर? नहीं, देखिए, बेरोजगारी यात्रा हटाओ यात्रा पे हम निकलने वाले थे, 3 जिलों में हमने सभाएं की, उस समय भी भारी समर्थन लोगों का मिला था इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन लॉकडाउन हो गया, उस वजह से हम यात्रा पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद आपने देखा होगा कोरोना में, जो महामारी में मजदूर भाई बिहार की असलियत सरकार की और ज़मीनी, जो पलायन कहते थे हम रोकेंगे सरकार में आएंगे, 15 साल में पलायन बल्कि और बढ़ गया, यानी बिहार का हर दूसरा परिवार पलायन कर रहा है, शिक्षा को लेके, रोज़गार को लेकर के या इलाज को लेकर के। पलायन बिहार की पुरानी कहानी है और अब और ज़्यादा बढ़ गया, कोरोना के मद्देनज़र भी सबसे ज़्यादा बिहारी अफेक्टेड हुए, बिल्कुल। लेकिन कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये तो बहुत आसान है, मैं भी ये कह सकती हूँ, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, स्टेट पावर नहीं है, मैं भी वादा कर सकती हूँ कि 10 नहीं, अब बीजेपी कह रही है, एनडीए कह रही है 19 लाख, ये आपका ये स्ट्रक्चर मुझे समझाइए कि ये 10 लाख नौकरियाँ कैसे आएँ? दिस इज़ वेरी मच सिंपल। बजट बिहार का आपको सबसे पहले जानना होगा कि कितने का बजट है, 2,13,000 करोड़ का, 2,13,000 करोड़ एक तरफ रखते हैं, बिहार
सरकार में ऑलरेडी पदे जो हैं वो रिक्त हैं, कितनी सारी 4 लाख पदे रिक्त हैं, मतलब बिहार सरकार जब चाहे तब जो है नौकरी 4.5 लाख दे सकती है, और इसके लिए आपको अलग से बजट नहीं चाहिए, क्योंकि प्लांट बजट में नॉन प्लांट बजट होता है, एक प्लांट बजट होता है, उसमें ऑलरेडी ये पदे इंक्लूडेड हैं 4.5। डॉक्टर नहीं होते, नर्स नहीं होते, कंपाउंडर नहीं होते, टीचर्स नहीं होते, प्रोफेसर्स नहीं होते। एक मणिपुर जो छोटा सा राज्य है, वहाँ 1 लाख आबादी पर 1000 पुलिसकर्मी हैं, बिहार 77 है केवल 1 लाख पर, तो वह तो आपको भरना ही पड़ेगा। आप नहीं भरिएगा तो शिक्षा कैसे सुधारिएगा, चिकित्सा कैसे सुधारिएगा, जूनियर इंजीनियर का पद लगभग 60% खाली है, तो चीज़ें कहाँ से बनेंगी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहते हैं। इसमें एग्रीकल्चर की जॉब शामिल नहीं है क्या, क्योंकि NDA केवल जो है सरकारी नौकरियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं ये भी समझना चाह रही थी कि जब ये तो 4.5 लाख तब दिया जा सकता है जब चाहे तब जो खाली है, 5.5 लाख नौकरी जो है वो हमने जो बोला है नेशनल एवरेज के मुकाबले वो देना। तो बिहार का बजट हमने बोला 2,13,000 करोड़, बिहार सरकार बजट का कितना आप डॉक्यूमेंट निकालिएगा, हम लोगों ने स्टडी किया है काफ़ी, हम झूठा वादा नहीं करना चाहते क्योंकि हमको लंबी राजनीति करनी है। तो हम ये कह रहे हैं कि केवल 60% बिहार सरकार खर्च कर पाती है, बाकी का पैसा जो है वो वापस लौटा देती है, सरेंडर कर देती है, यानी कितना 40%। तो 2,13,000 करोड़ का 40% 80,000 करोड़ रुपये, तो ये पैसा है। हमको अगर बोलना होता तो हम क्यों नहीं बोलते 1 करोड़ रोजगार दूंगा मैं, और किसी से नहीं बोला, हम तो बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी, बल्कि कारखाने का भी हमारा विजन है, जो बंद पड़ी शुगर मिल्स है, पेपर मिल्स है, जूट मिल है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मक्का, केला, लीची, मखाना, फॉक्सनट जिसको कहते हैं, इतनी बड़ा प्रोडक्शन हमारा होता, लेकिन कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में नीतीश जी ने नहीं सोचा। टूरिज्म बढ़ेगा, इतना गौरवशाली इतिहास है, ये इस बात का श्रेय तो देना पड़ेगा आपको कि ये चुनाव जो लग रहा था कि फिर राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे जाएगा, आप वापस इसको नौकरियों और विकास के मुद्दे पे लाए हैं, ये तो वाकई आपको श्रेय देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये एक सोची समझी बात थी कि देखिए अभी भी आज भी नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि 370 हमने हटा दी, ये लोग वापस लाना चाहते हैं, बिहार के नागरिक जो हैं सैनिक वहाँ गलवान घाटी में शहीद हुए। देखिए एक बात तो है, ये बिहार का चुनाव है, वो जो भी मुद्दे ला रहे हैं ठीक है, राष्ट्र से अगर जुड़ा हुआ हो वो तो राष्ट्र मुद्दे, लेकिन ये तो बिहार का चुनाव है। बेरोजगारी से सबसे बड़ा आतंक हमको नहीं लगता कुछ और हो सकता है, भूखमरी, गरीबी, बेबसी, लाचारी, बदहाल व्यवस्था, चरमराई पूरी सिस्टम, तो इन सब चीज़ों को सुधारना होगा। अब आप लोग से ही पूछिए, रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मजदूरों की स्थिति आपने देखी ना, कैसे सरकार ने मुंह फेर लिया, कहाँ जाते वो कहाँ रहेंगे? बेरोजगारी से बड़ा आतंक नहीं है आप ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय की राजनीति का इतिहास रहा है, लालू यादव भी उसको एस्टेब्लिश करने में एक बड़े, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार पहचान से अलग चुनावी कैंपेन करने के पीछे क्या वजह है? देखिए एक दौर था, लालू जी का जो दौर था वो उस समय जो मांग थी वो सोशल जस्टिस की थी, सामाजिक न्याय की थी, आपका जो दौर आया है वो आर्थिक न्याय का दौर है। तो हम लोग देखिए ज़माना बदलता है, तो ज़माने के बदलाव से हम लोगों के इश्यूज़ भी, एजेंडाज भी बदलते हैं, मांग भी लोगों की बदलती है। अब तो लोग गरीब को लालू जी ने इतना ताकत दे दिया कि अब अधिकार छीन सकते हैं, ले लेते हैं, पहले खटिया में नहीं बैठे, लेकिन अब जो है आर्थिक न्याय सबको चाहिए, चाहे वो अपर कास्ट का हो, मिडिल क्लास हो, बैकवर्ड हो, एक्सट्रीम बैकवर्ड हो, हर क्लास को चाहिए आर्थिक न्याय। लेकिन लालू जी की तस्वीर नहीं है कहीं भी चुनाव में। नहीं, 2015 के चुनाव में भी नीतीश कुमार जी ने कहाँ लगाया था, हर एक लालू जी तो दिल में बसते हैं लोगों के, लालू जी की बिहार में क्या देश में हमको लगता है तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लालू जी खुद ब खुद जो लोग न्यायप्रिय जनता जो है, जो सेकुलरिज्म में, जो सोशल जस्टिस में जिनका विश्वास है, वो तो लालू जी दिल में बसते हैं। कॉन्शियस डिसीशन लिया गया कि लालू यादव जी होती है पार्टी की जिम्मेदारी, मेरे को दी गई है तो मुझे जनता के बीच जाना है, लोग मुझसे कहेंगे मैं करूँगा, मुख्यमंत्री मैं रहूँगा, लालू जी नहीं रहेंगे। लालू जी नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, मास लीडर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं,
लेकिन जब मुझे जिम्मेदारी गई है मुख्यमंत्री रहते हुए, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे काम करना है, मुझे लोगों की सुननी है। लालू यादव का अब क्या महत्व है इस चुनाव में? नहीं, महत्व है, लालू जी तो लोगों के कण कण में है, पूरी तरीके से सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी को साजिश का शिकार बनाया गया है। अब मेरे ख्याल से 9 नवंबर को की तारीख है, एक में मिल गया है, आधी सज़ा काट चुके हैं, तो बेल के जितने भी नियम होते हैं बेल देने के, वो सारे फुलफिल करते हैं लालू जी। जो आधा सज़ा मेन होता कि काटना पड़ता है, तो वो काट लिया उन्होंने। ये बताइए तेजस्वी जी कि बिहार का ये चुनाव, वेस्ट बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव भारत की पूरी राजनीति के लिए एक तरह से एक बदलाव का संकेत देगा, क्या आप इसे इस तरह से देखते हैं कि इतना बड़ा चुनाव है? कह रहे हैं कि ये एजेंडा सिर्फ बिहार के लिए फिक्स किया गया है, हमने बंगाल के लिए भी और देश भर के अन्य राज्यों के लिए भी ये एजेंडा फिक्स हो गया है, क्योंकि बिहार ने महागठबंधन पिछले बार बनाया था तो वो एग्जाम्पल सेट हुआ था। इस बार बिहार ने मुद्दा एजेंडा जो है गरीब किसान मजदूर बेरोजगारी नौजवान का रखा है, कारखानों का रखा है, नौकरियों का रखा है, तो मेरे को लगता है ये केवल बिहार का ही एजेंडा नहीं बल्कि पूरे देश में ये एजेंडा लागू होगा। जी बताइए कि जो समीकरण है जातीय समीकरण बिहार में कुछ भी उससे अलग नहीं जाता है, लेकिन समीकरण आपके फेवर में उतने नहीं है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ये कॉन्फिडेंस देती है कि आपकी सरकार बने? लोग सोचते हैं कि भाई तीन पार्टियों में से दो पार्टी जहाँ रहेगी वहाँ जीत हो जाएगी, लोकप्रियता घटी है ना, नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता घटी है। बाय इलेक्शंस में लोकसभा के ठीक बाद बाय इलेक्शंस थे, सारी सीटों पे हम लोग जीते, खाता नहीं खुला बीजेपी का, नीतीश जी का कुछ प्रशासन द्वारा थोड़ा हस्तक्षेप हुआ तो एक आध सीट उन्होंने अपनी निकलवाई, लेकिन सारे कैलकुलेशन उस समय भी दुरुस्त थे। अब जब मुद्दे की बात हो रही है जहाँ नीतीश कुमार जी के पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा, अब तो देखते हैं एकदम पर्सनल अटैक कर रहे हैं मेरे पे, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, मतलब इस तरह की बातों पे नीतीश जी। शिकायत आम जनता को ये भी है कि आप 5 साल में उतने नजर नहीं आए, अब चुनाव के वक्त जरूर आप उस शिकायत को दूर कर रहे हैं लेकिन आप एब्सेंट हैं। ये प्रोपेगेंडा है, जनता का नहीं है ये, एक प्रोपेगेंडा विरोधियों द्वारा जो है वो साजिश रच करके इन लोगों ने फैलाने का काम किया। अब लॉकडाउन का हवाला देते हैं, भाई मेरे जैसे तो लाखों लोग फंसे हुए थे और हम लॉकडाउन के पीरियड के बीच में ही आए थे, आते ही सबसे पहले हम जनता के बीच गए, मुख्यमंत्री कब निकले, हमारे हस्तक्षेप करने के बाद बाहर कोरोना साथ आया था, हम बोलते रहे आपके पास तो हेलीकॉप्टर, निकल तो जाओ, एरियल सर्वे तो कर लो कम से कम, उसके बाद दिखावटी निकले। अब देख ले कोरोना तो उस समय भी था, अभी भी था, अब क्यों नीतीश कुमार नहीं निकल रहे? एक सवाल जो मैं सड़कों पे लोगों से बातचीत कर रही थी, आम नागरिकों से, वो कह रहे थे कि हम जो 15 साल पहले का जो एक राज था उसमें जो रंगदारी और उसमें जो एक लॉलेसनेस जो थी वो हमें अभी भी याद आती है। आप अपने जनता से क्या कहना चाहते हैं, उसी वोटर से आप क्या कहना चाहते हैं कि वो दौर वापस आएगा क्या? देखिए एक प्रोपेगेंडा, एक परसेप्शन, व्हेन वी शुड टॉक अबाउट क्राइम लॉ एंड ऑर्डर तो एक डेटा होना चाहिए जिस पे हम कंपेयर कर सके, तो NCRB का डेटा ये कहता है, हम भी 18 महीने थे सरकार में, हमारे 18 महीने की जिक्र क्यों नहीं करते नीतीश कुमार जी? जब मुख्यमंत्री तो मेरे को बनना है, हम तो डिप्टी CM रह चुके हैं, कोई भ्रष्टाचार का एक बात बता दो 18 महीने वाले कार्यकाल में मेरे, कुछ तो निकालिए, कुछ तो कमी उसमें से, उस पर क्यों नहीं बहस करते? तो नीतीश कुमार जी अब क्या वो कह रहे हैं जो लालू जी के घुटने पे गिर के गठबंधन बनाया था, क्यों साथ लिया लालू जी का फिर? तो ये प्रोपेगेंडा अब चलने वाला नहीं। हाँ लेकिन एक बात है, आप गोपालगंज चले जाओ, अमरेंद्र पांडे जैसे लोग, मंजू वर्मा जैसे लोग जो बालिका गृह मुजफ्फरपुर में, तो इनको तो लगातार संरक्षण दिया है, अब फिर तय हो गया कि ये संरक्षण दे रहे थे, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने जंतर मंतर तक लड़ी, लेकिन ये भी नहीं। लेकिन 1 लाख आबादी पर 77 पुलिसकर्मी वाले होंगे तो क्या कर लेंगे? तो रोजगार तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से आपको कोई डर नहीं है कि वो आते हैं लोग छा जाती हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, आते जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम बताएं ना, नीति आयोग का रिपोर्ट तो बताएं क्यों फिसड्डी रहा बिहार। उनके आने से चुनाव बदलेगा नहीं, वो तो बोले भाई सुशील मोदी जी ने क्या काम किया, सुशील मोदी जी का हिसाब किताब देना जरा। आखिरी सवाल चिराग पासवान को लेके मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनकी इस चुनाव में उन्हें कहाँ प्लेस कर रहे हैं आप? ये स्पष्ट हो चुका है उनके साथ नीतीश जी ने ठीक नहीं किया,
और वो बार बार ये कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं। तो जब बीजेपी के साथ हैं तो बात ही ख़त्म हो गई। शुक्रिया बहुत बहुत। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो अपने चरम सीमा पे नज़र आ रही है, कम से कम यहाँ जो लोग उन्हें देखने के लिए आए हैं उसमें तो बात करना हमारा दूभर हो गया फिलहाल। और इसी भीड़ के मद्देनज़र शायद उनका जो विश्वास है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उसको भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनको अब हेलीकॉप्टर में वो बैठने के लिए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग अभी भी नारेबाजी यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।